नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सहारनपुर के कस्बा नागल के आम की दीपचंदपुर बिजली घर पर 21 दिन से धरने पर। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कस्बा नागल के आम की दीपचंदपुर बिजली घर पर लगभग 3 सप्ताह से किसान यूनियन अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए धरने पर बैठे हुए थे। जीआई पर कुछ आरोप लगे हुए थे, कुछ किसानों के ट्यूबवेल पर जो सीलिंग में किसानों के साइन नहीं थे और उनके ट्यूबवेल पर बिना जानकारी के मीटर लगवा दिए गए, और कुछ कर्मचारी संविदा पर लगे हुए हैं जो आम की फिटर पर काम नहीं करते, उनकी भी तनख्वाह जीआई दिलवाने का प्रयास कर रहा था, जिस पर वहां पर कुछ संविदा कर्मचारियों को आपत्ति हुई और एक किसान का ट्रांसफॉर्म 1 सप्ताह से जला हुआ था, जिस पर किसान दूसरा ट्रांसफॉर्म रखने की मांग कर रहा था, लेकिन वहां पर ट्रांसफर नहीं रखा गया और किसान का कहना है कि अगर मैं कुछ पैसे दे देता तो ट्रांसफॉर्मर रखा जाता है, और किसान अपने गन्ने की फसल का काफी नुकसान बता रहा है, जिस और कुछ किसानों को अवैध रूप से जुर्माने दिए जा रहे हैं, जिस पर किसान धरने पर बैठ गए और 3 सप्ताह के बाद एसडीएम एक्शन एसडीओ किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे नागल थाना प्रवेश कुमार एसएचओ मैफोस के साथ वहां पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुरेश पाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह, युवा मंडल उपाध्यक्ष पारेव उपाध्याय, उपाध्यक्ष मास्टर सतपाल विजेंद्र उर्फ काला, निखिल त्यागी, शिवम प्रधान नागल। इन सभी किसानों के बीच में एसडीएम साहब, एक्शन साहब और एसडीओ ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तब किसानों ने अपनी धरना को समाप्त किया। जिला प्रभारी मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। भाई समस्याओं से काम तो इतना हो चुका है कि एसडीएम साहब के कहने पर ये काम हम जो है धरना हटा देंगे, अंदर और भाई जो एफ आई आर है वो नियमानुसार करवा दी जाएगी, और भाई जो यहाँ मीटर लगा रखी है ना, सीलिंग कर रखी है टूटी, वो सबकी जांच करोगी, उसे दंडित किया जाएगा। और हमारी एक मांग हो रहा है कि जो यहाँ कंटेनर लगा रखे हैं लोकल के, उन्हें यहाँ से हटा जाएगा। ये हमारी मांग थी, और आइटम चार के खाने पर इन्हें कम कर रहे हैं। उसमें आइटम चार ने कहा है कि उसमें कानूनी कार्रवाई नहीं बनाई जाएगी, जरूर 288 करे हैं, 288 जो सिलिंग को सेल किसके नहीं है ऑनलाइन है, क्यों है कि ये साहब के 600 बनते हैं 1 मीटर पे, 1 मीटर और मैं कह रहा हूँ ये बड़े दुख की बात है कि किसान भाइयों को शोषण किया जा रहा है। मैं वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश किसी भी कीमत पर किसानों का शोषण नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरने से भी डरता हूँ, ये मेरा वादा है और रहेगा। नहीं, हमने यहाँ पर देखा भी है कर्मचारी को यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, और मुल्क के तमाम बच्चे नहीं आ रही है, इसके बारे में सर आप बताइए। हाँ सर, मेरे पास संज्ञान है और बड़ा सर्वे की है कि यहाँ पर जो काम नहीं कर रहे हैं लड़के, और इसी भी घर से दी जाने की बात कर रही है, उसमें आप मैंने ऐसा ऐसा बताएं ऐसा ये कार्रवाई शीघ्र की जाएगी, जैसे ही 288 मीटर पड़े हुए हैं,
जिनकी जांच होगी है, अगर वो अगर तो आए हैं अमेरिका के, क्योंकि लैंड मानदोल ने किसानों को दबाव मान के ये लड़की यहाँ डाल रहे हैं, सबको दिखा दिया गया है और बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ने कहा कि अगर ऐसा पाया गया तो